So good morning to all of you, and this is the evolving story which was completely expected, completely out of the blue. G20 के time पे Justin Trudeau जो Canada के Prime Minister हैं उनके साथ जो tensions के बारे में news थी and the way Canadian media reported it. After that when Justin Trudeau he went back to Canada he was facing a huge backlash. And in his first address to the parliament, to the lower house of Canada, he brought up this issue and he said that in the killing of Hardeep Nijjar, there are credible doubts, credible allegations about the involvement of Indian agencies or the Indian government. So this is something that is completely unexpected, not just for us, for the government of India, but also for the experts, whether you talk about Michael Kugelman, whether you talk about Derek J. Grossman, or you talk about Rajiv Dogra, उन सब ने यही बात बोली है, ये completely out of the blue है. तो देखिए situation कैसे evolve होता है कि सबसे पहले सरे के गुरुद्वारे में हरदीप निज्जर जो है he was shot dead. This is हरदीप निज्जर और इसके ऊपर NIA ने allegation इसके ऊपर चार्जेस थे और टोटल 10 लाख और ये जो हरदीप निज्जर है ये खालिस्तान टाइगर फोर्स का हेड था तो सर्रे के गुरुद्वारे में इसे मार दिया गया. उसके बाद फिर दी कैनेडियन एनएसए ही सेड ही हैड ही वाज एंगेजिंग विथ इंडियन अथॉरिटीज लेटर ऑन ही आल्सो फ्लू टू यूके टू इन्फॉर्म देम दैट देर आर एलिगेशन अबाउट इंडिया बींग इन्वॉल्व और कैनेडा कह रहा है कि This is affront to our sovereignty, and this indicates that the Indo-Canadian relations that has hit rock bottom. इसके पहले कनाडा के साथ FTA की बात हो रही थी. पहले कनाडा ने बिना किसी reason को बताए FTA को suspend कर दिया था. उसके ऊपर की बातचीत. फिर Indian government ने वही कहा you need to take credible action, क्योंकि you must be looking in the news कि कभी वो इंडिया की जो एम्बेसीज हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, उसे डिफेस कर रहे हैं. इंडिया की एम्बेसी को जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं उन्होंने वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया एंड इनिशियली कनाडा वाज नॉट टेकिंग टू मेनी एक्शन और बाद में जब गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रेशर दिया देन दे प्रोवाइडेड सिक्योरिटी. अब देखिए इसका नतीजा क्या हुआ. इसका नतीजा हुआ है अ टिट फॉर टैट सिचुएशन. टिट फॉर टैट सिचुएशन में क्या हुआ, उन्होंने कनाडा ने सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले कनाडा ने इंडिया के जो वहां पे डिप्लोमेट थे पवन कुमार राय उनको बोल दिया कि आप वापस चले जाओ एंड ही इज बीइंग सेड टू बी द स्टेशन हेड ऑफ रॉ. ये हर जगह की एम्बेसी में एक अनडिक्लेयर्ड सिस्टम होता है जहाँ की वहाँ के इंटेलिजेंस के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग होते हैं एंड दिस पवन कुमार राय ही इज एन आईपीएस ऑफ 1995 बैच इफ आई एम करेक्ट. ये हुआ द इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने कनाडा के जो इंडिया में हाई कमिश्नर्स हैं उनको बुलाया और उसके बाद फिर इंडिया ने भी क्या किया, ये जो ओलिवियर सिल्वेस्टर हैं इनको कहा है कि विद इन 5 डेज आप वापस चले जाइए. और ये ओलिवियर सिल्वेस्टर कौन है, ये है जो कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये उसके इंडियन चीफ हैं, इंडियन हेड हैं. सो इट्स नॉट कि डिप्लोमेटिक कनेक्शंस खत्म हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने इंडिया के जो कंसर्न्ड इंटेलिजेंस की अथॉरिटी वहां पे थे स्टेशन चीफ उनको वापस भेज दिया तो इन अ टिट फॉर टैट उन्होंने इंडिया ने भी इनको कहा कि आप 5 दिन में वापस चलिए. एंड मोर ओवर विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिगेशन ऑफ जस्टिन ट्रूडो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनइक्विवोकली उसे रिजेक्ट कर दिया है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ आई वॉश, ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट इशू फ्रॉम द खालिस्तान एंड खालिस्तानी टेररिस्ट. और इंडिया ने सिर्फ खालिस्तानी टेररिस्ट को, इंडिया की सेसेशनिज्म एंड चैलेंजिंग इंडियाज सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ नहीं लिंक किया है बल्कि उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग हर कुछ के साथ लिंक किया है.
एंड यू सी नाउ इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग ऑन द फोर फ्रंट. इंडिया ने सीधा सीधा कहा है कि द कनेडियन पॉलिटिकल फिगर्स हैव ओपनली एक्सप्रेस्ड सिंपथी एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल इलीगल एक्टिविटी, जैसे कि मर्डर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है. ठीक है, और ये जो आप सिचुएशन देख रहे हो, नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू बैक. 2015 में, इन 2015, पीएम मोदी ही हैड विजिटेड कैनेडा. उस समय के जो कैनेडा के पीएम थे, ही वॉज स्टीफन हार्पर, ही वॉज फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी. एंड जस्टिन ट्रूडो, ही इज फ्रॉम लिबरल पार्टी. ओके, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नेम है, दैट इज फ्रॉम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एंड ही इज जगमीत सिंह. अभी आप इनका भी नाम सुनोगे एंड ही हैज बीन अक्यूजिंग इंडियन गवर्नमेंट कि इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन टेररिज़िंग, सेशनिज्म, थ्रेटनिंग पीपल, डिवाइडिंग पीपल वगैरह, बिकॉज ही इज ऑल्सो एन ओपन खालिस्तान सिंपेथाइजर. सो 2015 में जब मोदी ही, वेन ही मेड हिज विजिट टू कैनेडा, दैट वॉज अ विजिट बाई एनी इंडियन पीएम आफ्टर 14 ईयर्स. 40 साल बाद का वो किसी भी इंडियन पीएम का कनाडा का विजिट. एंड दिस आर्टिकल दैट यू आर लुकिंग एट, पीएम मोदीज कनाडा विजिट टेक्स बायलैटरल रिलेशन टू अ न्यू हाइट्स, ये स्टीफन हार्पर का आर्टिकल था इन टाइम्स ऑफ इंडिया. एंड नॉट जस्ट दैट, रिसेंटली ही वॉज इन इंडिया इन 2019 एंड यू कैन लुक एट द पिक्चर्स स्टीफन हार्पर के पीएम मोदी के साथ. एंड दिस आई हैव टेकन फ्रॉम हिज ट्विटर फीड. दिस इज वन थिंग. And on the other hand, when you are looking at look at this thing, ये जो आपकी इमेज है ना, this image is deceiving. क्योंकि 2018 में जस्टिन ट्रूडो का एक सप्ताह का विजिट था इंडिया. And during his visit, when he had gone to Taj Mahal, यूपी गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर भी नहीं आया था उनको रिसीव करने. आई थिंक इट वॉज द डीसी हु वॉज देयर ऑन द एयरपोर्ट टू रिसीव. सच अ कोल्ड शोल्डर ही हैड गॉट एंड ही गॉट टू मीट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ओनली इन ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज विजिट. और इसके पीछे का रीजन क्या है, दैट इन 2015 इफ यू हैड सच ग्रेट रिलेशंस, व्हाई दिस डीप इन द रिलेशनशिप. नेचुरली दिस विल बी अ क्वेश्चन दैट एनी वन वुड आस्क, कि अचानक से ऐसा क्या हो गया. तो लेट मी रिकॉल यू, एक पॉलिटिशियन है हरजीत सज्जन. ठीक है, हरजीत सज्जन, ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर इन जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट एंड ही वॉज एन ओपन खालिस्तान सिंपेथाइजर. हालांकि बाद में इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू ही हैड रिजेक्टेड दिस, लेकिन जो आपके कनाडा के, सॉरी पंजाब के जो सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही हैड सेड कि ओपनली देर आर एटलीस्ट 4 मेंबर्स इन जस्टिन ट्रूडो कैबिनेट हु आर ओपन खालिस्तान सिंपेथाइजर्स इंक्लूडिंग हिज डिफेंस मिनिस्टर. और इन लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैनेडा के विजिट को कैंसिल करवाया. So this Khalistan issue is at the center of this sudden decline in India-Canada relations. अब देखिए थोड़ा सा, now let us look के relationship का status क्या है. Just look at this. सबसे पहले G20 के पहले news आता है that the negotiations have been stalled, क्योंकि
अभी कनाडा की नीड जो है वो ज्यादा है कंपेयर्ड टू इंडिया, नॉट जस्ट कनाडा, होल ऑफ वेस्ट, पूरे का पूरा वेस्ट चाहता है सम सॉर्ट ऑफ FTA, सम सॉर्ट ऑफ ट्रेड डील। आप यूएसए को देखो, उसके साथ भी ट्रेड डील की बात हो रही थी सिंस डोनाल्ड ट्रंप, ऋषि सुनक आए थे, ही वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि किसी तरह का ब्रेक थ्रू हो जाए। यूरोप को देखो तो BTIA नेगोशिएशन रीस्टार्ट हो गया है, सिमिलरली विथ कैनेडा। ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी एक FTA साइन हो चुका है। इसके पीछे का पर्पस क्या है? पर्पस इज कि चाइना इज डिक्लाइनिंग एंड चाइना इज बीइंग सीन एज अ सिस्टेमिक थ्रेट। EU ने कह रखा है USA इज लुकिंग एट चाइना एज अ प्रिंसिपल चैलेंजर। ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलरेडी सीन हाउ चाइना कैन वेपनाइज ट्रेड, सो दे आर लुकिंग एट सम अल्टरनेट एंड रिलायबल मार्केट, एंड दैट मार्केट कैन ओनली बी इंडिया, बिकॉज प्रेजेंटली इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, एंड इट इज बीइंग सेड कि इंडिया का अभी ये जो है गोल्डी लॉक्स मोमेंट है, दिस हैज स्टार्टेड एंड परहैप्स फॉर नेक्स्ट 1 to 2 decades इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो एट अ मच फास्टर पेस। लेकिन सबसे पहले ये, और ये जो FTA नेगोशिएशन के ऊपर में डाउट्स आए थे उसके पीछे का रीजन समवेयर हरदीप निज्जर का डेथ था, बिकॉज दे वे आर ऑल्सो इन टच विथ इंडियन अथॉरिटीज, परहैप्स दे वे आर डिमांडिंग सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे देखो, दिस इज रॉयटर्स रिपोर्ट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी ही स्कोल्डेड जस्टिन ट्रूडो ओवर सिख सेपरेटिस्ट और खालिस्तानी इशू एंड द सपोर्ट दैट दे वर गेटिंग, एंड दिस इज द सन, टोरंटो द सन, उसका न्यूज देखो, दिस वे आउट, एंड दिस पर्टिकुलर पेज वॉज टेकन अप कैनेडा का जो LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड ही सेड कि हाउ कैनेडियन PM वॉज बींग इंसल्टेड एवरीवेयर एंड एज अ कैनेडियन नो वन वुड लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका एवोल्यूशन हो गया रिलेशनशिप में। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एंड वॉन्ट बी द लास्ट टाइम जबकि कैनेडा एंड पर्टिकुलरली जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट इट इज बकलिंग अंडर द प्रेशर। इससे पहले अगर आप देखो तो दिसंबर 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट वॉज पब्लिक रिपोर्ट ऑन द टेररिस्ट थ्रेट टू कैनेडा। इस रिपोर्ट में साफ साफ सिख एक्सट्रीमिज्म और खालिस्तानी का नाम दिया हुआ था। नतीजा क्या हुआ उसके बाद? देयर वेयर प्रोटेस्ट और देयर वेयर कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट। आप यहां पे गुरपतवंत सिंह पन्नू का स्टेटमेंट देख सकते हो, ही सेड दैट कैनेडा इज टर्मिंग ऑल सिख्स एज टेररिस्ट एंड दे लुक एट सिख पॉपुलेशन ओनली एज कैश काउ फॉर फंडिंग पॉपुलेशन। तुम हमारे पास सिर्फ अपने फॉर फंडिंग देयर इलेक्शन, तुम हमारे पास सिर्फ फंड के लिए आते हो, अदरवाइज यू डू नॉट हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग। और इस प्रेशर के अंडर नतीजा क्या हुआ कि अप्रैल 2019 में उस रिपोर्ट को रिवाइज करके पब्लिश किया गया और वहां से खालिस्तानी और सिख ये दोनों को, दोनों जो चीजें थी दे वेयर आउट। यू कैन सी दैट इन द न्यू रिपोर्ट द मेंशन ऑफ सिख एक्सट्रीमिज्म एंड खालिस्तान वेयर गॉन। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट, जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट के केस में क्या है, ओपनली इसके मिनिस्टर्स थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इट हैज कंटिन्यूअसली बकल्ड। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, हाउ डज द डेटा सपोर्ट। लेकिन डेटा पर आने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द इमर्जेंस ऑफ खालिस्तान इशू, जो कि कनाडा में कैसे खालिस्तान इशू इमर्ज हुआ। बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप सबके दिमाग में रहता है कि अचानक से ये मामला पंजाब से उठकर कनाडा पहुंच कैसे गया और आज के डेट में ये सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। रीजन बीइंग कनाडा एक वेस्टर्न नेशन है, वो G7 का मेंबर है,
इट इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, वी वॉन्ट बेटर रिलेशन विद चाइना, बट एट द सेम टाइम वहां से जो सपोर्ट देते हैं वो खालिस्तान को, दे डू नॉट टेक एनी एक्शन, मोर ओवर ISI गेट्स इन्वॉल्व, तो वहां से उनकी फंडिंग होती है, वहां से मामला उठ करके पाकिस्तान आ जाता है। जब आप बब्बर खालसा इंटरनेशनल वगैरह को देखते हो तो दे हैव देयर ओपन लिंक्स विद दिस ISI एंड अदर्स, सो दैट इज व्हाई दिस हैज बिकम अ हेडक। तो अब देखते हैं ये इमरजेंस हुआ कैसे, और आप एक एक करके जस्ट लुक एट दी हाउ द थिंग्स हैव हैपेंड, एंड देर आर सम इम्पॉर्टेंट नेम्स, जस्ट रिमेंबर दोज नेम्स एंड यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड। यू सी 1974, वॉट वॉज दिस टाइम, दिस वॉज द टाइम वेन न्यूक्लियर टेस्ट, सबसे पहली बार इंडिया ने इस समय न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस न्यूक्लियर टेस्ट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसके लिए जिनको मॉडिफाई किया था, दे वेयर कैंडू रिएक्टर्स, यू मस्ट हैव रेड अबाउट देम। और ये रिएक्टर्स हमें कनाडा से मिले थे फॉर पीसफुल पर्पस, और उस समय क्या था देन 1975, एंड दिस वॉज द टाइम वेन पियरे ट्रूडो फादर ऑफ जस्टिन ट्रूडो, ये उस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज वेरी कंसर्न कि द रिएक्टर्स दैट वी हैड प्रोवाइडेड हाउ कैन यू यूज देम, ठीक है। तो इसके कारण जो रिलेशनशिप थे दे सफर्ड सीरियसली। उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे इफ यू रिमेंबर लेट 1970s, दिस वॉज द टाइम जबकि इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट दिस वॉज राइजिंग, और कैनेडा में वैसे भी सिख पॉपुलेशन सिंस इवन प्रायर टू वर्ल्ड वॉर वन, क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा देर इज फर्टाइल लैंड, देर इज लैक ऑफ पॉपुलेशन, तो वहां से जो सिख हमारे यहाँ के सिख थे दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग, जो वर्ल्ड वॉर वन के पार्ट थे बहुत लोग वहां पे रुक गए, एंड देर वॉज अ वाइब्रेंट सिख पॉपुलेशन। तो जो यहाँ से खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया में, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन देम, ये मेनी ऑफ देम दे मूव्ड टू कैनेडा, और दिस वॉज द टाइम लेट 1970s एंड 1980s जबकि ग्रुप्स लाइक बब्बर खालसा इंटरनेशनल दे स्टार्टेड फाइंडिंग वॉइस इन, दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ्स इन कैनेडा। आफ्टर 1984 यू नो 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद फिर डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, तो इस समय क्या हुआ, इंडिया में जो खालिस्तान मूवमेंट था दैट वॉज क्रश, यहां पे तो क्रश हो गया लेकिन विद इन कैनेडा दिस कुड नॉट बी क्रश्ड, द गवर्नमेंट वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, सो दे स्टार्टेड स्ट्रेंथनिंग देमसेल्फ। और ये जो 1984 ब्लू स्टार के ऑपरेशन के रिस्पॉन्स में क्या हुआ था, इफ यू लुक एट द न्यूज इन 1985 देयर वॉज कनिष्का बॉम्बिंग, और ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे इन्होंने एक पूरे का पूरा प्लेन को मिड एयर उड़ा दिया, बट नॉट अंटिल 2000s, फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000 कैनेडा ने इसे ट्रेजेडी नहीं रिकॉग्नाइज किया, बिकॉज कैनेडा डिड नॉट लुक एट कनिष्का बॉम्बिंग एज अ अटैक ऑन कैनेडा। तो सच वॉज द एक्सटेंट ऑफ वेदर यू कॉल इट सपोर्ट और लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ प्रोएक्टिवनेस। और इसके बाद फिर कनिष्का बॉम्बिंग्स के कारण उसके बाद फर्दर देर वॉज अ डिक्लाइन, लेटर ऑन आफ्टर 2000s कैनेडा ने इसे रिकॉग्नाइज किया। बाद में व्हेन यू आर स्टार्ट लुकिंग एट पाकिस्तान, तो
1971 के बाद पाकिस्तान ऑल्सो रियलाइज कि यू सिंपली कैन नॉट डिफीट इंडिया, तो उसने इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड भी कर दिया दो पार्ट में। तो पाकिस्तान के सपोर्ट से जो आपका पंजाब में खालिस्तान का इमर्जेंस हुआ, दैट वॉज विद सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब इंडिया में खालिस्तान खत्म हुआ, हाउ एवर ISI एंड इट लिंक्स विद द खालिस्तानी टेररिस्ट इट कंटिन्यूड, और उन्होंने कैनेडा के थ्रू इंडिया को चैलेंज करना, इंडिया को थ्रेटन करना, दे स्टार्टेड एंड दे कंटिन्यू। और इसी के कंटेक्स्ट में यू लिसन अबाउट रेफरेंडम 2020। ये वही बब्बर खालसा इंटरनेशनल की बात करो, सिख फॉर जस्टिस की बात करो, खालिस्तान टाइगर फोर्स की बात करो, इसमें प्राइमरीली नाम आता है सिख फॉर जस्टिस का गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम। और ये रेफरेंडम क्या है कि अल्टीमेटली द सिख पॉपुलेशन दे वांट अ खालिस्तान दे स्टेट फॉर देमसेल्फ। और इसका इवन विद इन कैनेडा ऑल्सो इसका कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, बट यू नो कि जिनका सपोर्ट नहीं होता है बट दे बिकम दैट वोकल माइनॉरिटी जिसको कि विच इज कंसिडर्ड एज द वॉइस ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। एंड अनफॉर्चुनेटली द कैनेडा गवर्नमेंट has continued to have a blind eye towards this। तो ये पूरे का पूरा आपका खालिस्तान इशू है। अब देखो, अब थोड़ा सा इसके पीछे के बाकी फैक्टर्स को देखते हैं। तो देखो, रफली 20 से 25 लाख पॉपुलेशन है इंडियन डायस्पोरा विद इन कैनेडा, जिसमें 8 लाख जो है वो सिख पॉपुलेशन है, एंड प्राइमरली ऑन्टेरियो और ब्रिटिश कोलंबिया। और अभी जो जस्टिन ट्रूडो ने जो बोला है, तो ब्रिटिश कोलंबिया का जो हेड है, द प्रीमियर है, ही हैज सपोर्टेड। एंड सिंस द सिख डायस्पोरा इज रिच, तो इलेक्शन के टाइम में दे आर ऑल्सो लुकड एज अ सोर्स फॉर फंडिंग। लेकिन एक सवाल आता है कि अभी ये मुद्दा उठा क्यों? तो यू सी, आफ्टर G20 व्हेन जस्टिन ट्रूडो ही वेंट बैक, ही वॉज फेसिंग लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लॉट ऑफ फ्लेक, दैट वॉज वन थिंग। सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड इन कैनेडा, फ्यूअल प्राइसेस को देखो, फूड प्राइसेस को देखो, सब का सब बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ गया। सो एट सच अ टाइम कैनेडा और ट्रूडो गवर्नमेंट वांटेड समथिंग टू डाइवर्ट अटेंशन, और उन्होंने ये एक मामले को सामने ले आया। सो दिस इज हाउ, अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर फोकस करते हो, देन योर इंटरनेशनल रिलेशंस दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू सफर, एंड दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट, कि जस्ट फॉर योर डोमेस्टिक इंटरेस्ट यू स्पॉइल्ड और यू कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इंडिया कैनेडा रिलेशन। एंड दिस इज वॉट राजीव डोगरा हैज ऑल्सो सेड, उन्होंने भी, राजीव डोगरा ने भी ये बात कही है, दैट दिस इज जस्ट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द इंटरनल इशूज, द पॉलिटिकल चैलेंजेस दैट जस्टिन ट्रूडो इज फेसिंग। क्योंकि वेन एवर द इशू इज अबाउट द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेचुरली अगर ऐसे टाइम पर ट्रूडो को कोई भी अपोजिशन लीडर तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली दे विल हैव टू फॉल इन लाइन, दे विल हैव टू टो द सेम लाइन, एंड दिस इज वॉट द कैनेडियन अपोजिशन पार्टीज आर डूइंग। सो वॉट विल हैपन, रादर देन टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, टॉकिंग अबाउट अ वेरी बैड G20 समिट, नाउ द टॉक इज अबाउट इंडियन इंटरफेरेंस इन कैनेडा। So this will give a greater standing that Justin Trudeau is someone who is standing up to the Indian government. And Derek J. Grossman, he has said that this issue is something that will test India-USA relations, because Canada has said that it has informed about it to the US, and USA has said that this is a matter of concern. Canada NSA has also met his counterpart in UK. And Canadian Foreign Minister has also said that she will be taking up this matter with the G7 counterparts. So G7 के साथ में, and there is a chance कि ये मामला G7 के जो भी nations हैं, they will raise in front of India, though not publicly. However, the Canadian government has not given any proof of Indian involvement. So this is an evolving story. And we shall look कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस का आगे क्या
क्या होता है। थैंक यू।